नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इनके जी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, अगर डाइट में दाल का नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देगा और साथ ही शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। नंबर दो, प्याज को पीसकर उसका रस कपड़े में छान लें, फिर उसे गर्म करके चार बूंद कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। नंबर तीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हल्का फुल्का रहे और मोटापा ज़्यादा ना बढ़े तो आप रात को भोजन ना के बराबर करें। नंबर चार, आपको सोने से पहले अपने हाथों पैरों पर जैतून के तेल से मालिश करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर पाँच, खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो आपको बदहजमी नहीं होगी। नंबर छः, हीरे का रस त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें ठंडक होती है जो शरीर की गर्मी को कम करता है और त्वचा को ठंडा रखता है। नंबर सात, नीम के पत्ते रोजाना चबाने से और करेले का जूस पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। नंबर आठ, ज़्यादा से ज़्यादा करी पत्ता अपनी सब्जियों में डालें, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नंबर नौ, भोजन का समय निश्चित करें, पेट ठीक रहेगा। भोजन के बीच बात ना करें, भोजन ज़्यादा पोषण देगा। नंबर दस, नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें, पौष्टिक विटामिन और फाइबर मिलेंगे। नंबर ग्यारह, यदि कपड़े धोने के बाद छोटे हो गए हैं तो उन्हें गर्म पानी और हेयर कंडीशनर के घोल में 5 मिनट के लिए भिगो कर रख दें, वापस अपने पुराने साइज में आ जाएंगे। नंबर बारह, कद्दू के बीज खाली पेट खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। नंबर तेरह, सोने वाले तकिया के कवर को हफ्ते में एक बार जरूर धो लिया करें, इससे आपके चेहरे पर झाइयाँ नहीं होंगी। नंबर चौदह, जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने और मुहासे निकलते हैं, वह एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच धनिया रात भर भिगो कर रखें और उसे सुबह छान कर खाली पेट 15 दिनों तक पी ले। इससे जीवन में कभी भी दाने नहीं आएंगे, क्योंकि धनिया में एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल गुण होते हैं। नंबर 15, अगर आप चेहरे पर गर्म पानी की भाप लेते हैं तो इससे चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं और चेहरे की गंदगी बाहर निकल जाती है। नंबर 16, रोटी के साथ गुड़ खाने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 17, पानी में नमक शामिल करके घर के कोने में छिड़कें, इससे मच्छर घर में नहीं आएंगे। नंबर 18, अगर हरी सब्जी बासी लग रही है तो ठंडा पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर 2 घंटे के लिए उसमें रख दें, निकालने पर सब्जी ताजी लगेगी। नंबर 19, कुछ भी हो जाए, साल में कम से कम एक बार जामुन खाना ही चाहिए। इससे हमारे भोजन के साथ कई बार अनजाने में पेट में बाल चले जाते हैं और जमा होते रहते हैं, यह निकलते नहीं हैं और ना ही किसी दवाई से गलते हैं, परंतु 5 जामुन एक बार खाने पर यह गल जाते हैं। नंबर 20, जो लोग घर में रूम हीटर चलाते हैं वह सतर्क हो जाए, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और सिर दर्द होता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 21, रात में कपड़े बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए? जब रात में कपड़े बाहर सुखाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रविष्ट कर जाती है और उनको जब हम सुबह पहनते हैं तो उससे ऊर्जा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो कि नुकसानदायक होता है। नंबर 22, अक्सर लोग रात को कपड़े धोते हैं और उन्हें सूखने के लिए डाल देते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि गलती से वह कभी भी सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं और भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। नंबर 23, रंग साफ और गोरा करना है तो रात को कच्चे दूध की मलाई को लेकर चेहरे पर लगा लें और सुबह मुंह धो लें। नंबर 24, जंभाई लेते वक्त कभी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, वरना जुबान को कुछ देर के लिए लकवा हो सकता है। नंबर 25, अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर शरीर गड़बड़ा गया तो पैसा भी इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। नंबर 26, नाशपाती में फाइबर होता है जो कब्ज और अपच को ठीक करने में मदद करता है।
नंबर 27। चाय पीने से पहले पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और दांत पर चाय में पाए जाने वाले टैनिन नामक केमिकल नहीं चिपकते हैं। नंबर 29। अगर आपको लूज मोशन बंद नहीं हो रहे हैं तो अदरक का रस 2 चम्मच गर्म करके नाभि के आसपास लगाएं। रस में रुई भिगोकर नाभि पर रख दें, इससे लूज मोशन बंद हो जाएगा। नंबर 30। अगर आपको थोड़ा सा काम करते ही कमजोरी महसूस हो तो सोयाबीन का सेवन करें, इससे किसी भी तरह की कमजोरी दूर रहती है। नंबर 31। 6 ग्राम सौंफ का चूर्ण देसी घी के साथ 3 माह तक सेवन करें, निश्चित ही गर्भधारण हो जाएगा। नंबर 32। पान के पत्ते को उबालकर पानी में उबालकर पीने से छाती का कफ दूर होता है और खांसी में भी राहत मिलती है। नंबर 33। अपने दांतों को हमेशा ठीक रखना है तो हर खाने के बाद कुल्ला करना जरूरी है, इससे दांतों की गंदगी बाहर निकल जाती है। नंबर 34। नहाने के बाद सोने से दिमाग कमजोर होता है, इसलिए नहाने के बाद सोना नहीं चाहिए। नंबर 35। यदि आपका पेट फूल जाता है तो अदरक का रस निकालकर उसमें थोड़ी सी हींग काला नमक मिलाकर हल्का सा गर्म कर ले, पिला दिया जाए तो ऊपर से गर्म पानी पिला दिया जाए तो अफरा तुरंत ही खत्म हो जाता है। नंबर 36। चाय दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक है, यह एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम करती है। नंबर 37। चाय में 1 चम्मच चीनी से शरीर को 48 कैलोरी मिलती है। नंबर 38। खजूर में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि पेट को स्वस्थ रखता है। नंबर 39। रोजाना हरी मिर्च का सेवन करने से मोटापे में राहत मिलती है। नंबर 40। अपने पूरे शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए फिटकरी से मसाज करें। नंबर 41। अगर सुबह सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने के चक्कर में ब्रेकफास्ट छूट जाता है तो 1 केला खाकर निकले, केला खाने से तुरंत ही आपको एनर्जी मिलेगी। नंबर 42। आप जब भी कोई मिठाई खाएं तो कुल्ला अवश्य करें। नंबर 43। भोजन करते समय संयम रखें, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े लें और पूरी तरह से चबा चबा कर खाएं, इससे आपका भोजन आसानी से पच जाता है और खाना खाने के बाद पेट भी भारी नहीं लगता है। नंबर 44। खाना अधिक नहीं खाएं, आहार में दही, ग्रीन टी, हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा लें। खाना हमेशा कम खाएं, लेकिन पौष्टिक आहार होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।